फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। सर, मेरा नाम है कीर्ति। आज हम डिस्कस करने वाले मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर सभी क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में विथ एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो एंड तक जरूर देखना। जो भी लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं उनके अपकमिंग टाइम में NHM या फिर जो अदर स्टेट लेवल पर एग्जाम होते हैं, सेंट्रल लेवल पर एग्जाम होते हैं, सभी में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रीवियसली रिपीटेड क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अभी रिसेंट में बिजी रहने के कारण थोड़ा कम वीडियो में आप प्रोवाइड करा पा रही हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको डेली 1 से 2 वीडियो प्रोवाइड कराए जाएँ बेस्ड ऑन आपके एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, टनल विजन इज सीन इन विच कंडीशन। टनल विजन मतलब कि जिस तरीके से आप देखते हैं, तो एक नली के जैसे आपको पूरा चारों तरफ का नहीं दिखेगा कि क्या हो रहा है, बट बीच का जो हिस्सा है वो बस दिखेगा, जैसे कि कोई सुरंग हो या फिर कोई नली हो, पाइप जैसे। ऑप्शन में है ग्लूकोमा, कैटरेक्ट, GERD एंड ट्रोकोमा। तो टनल विजन है जो किस कंडीशन में देखने को मिलता है, देखने को मिलता है ग्लूकोमा की कंडीशन में। ग्लूकोमा में क्या होता है कि स्पेशली आपकी ऑप्टिक नर्व वही डैमेज होती है, तो इसमें क्या होगा, जो ग्लूकोमा आपको पहले पता होना चाहिए ग्लूकोमा क्या है, उसका एक तरीके से कलेक्शन ऑफ डिसीज भी कहा जाता है। बट इसका जो मोस्टली डैमेज पार्ट होता है आँखों में, वो क्या होती है, ऑप्टिक नर्व। आँखों की जो नर्व होती है, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व प्रेजेंट होती है आँखों में, वो डैमेज होगी, जिसके कारण क्या होगा, पेरिफेरल विजन लॉस। तो यहाँ पर सबसे पहले जो ग्लूकोमा में जो ये देखिए नॉर्मल विजन है वो आप इस तरीके से देखेंगे, बट जो टनल विजन है या फिर हम इसको एक नली विजन भी कह सकते हैं, सुरंग टाइप से आपको देखने को मिलेगी। चारों तरफ क्या हो रहा है वो आप नहीं देख पाएंगे, चारों तरफ आपको पूरा ब्लैक ब्लैक दिखेगा, और जो बीच का पार्ट रहेगा क्या दिखेगा, वही बस आपको प्रॉपरली दिखेगा। तो इसको क्या कहा जाएगा, टनल विजन, और ये मोस्टली ग्लूकोमा या फिर रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल फॉर इमोबिलाइजेशन ऑफ फ्रैक्चर। व्हाट इज द केमिकल यूज्ड इन प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP इमोबिलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। जब आपको फ्रैक्चर हो, हड्डियाँ टूटे, तो उस टाइम पर POP बांधा जाता है आपको। इसको हिंदी में कहें तो 15 डेज का कच्चा प्लास्टर बांधा जाता है, एंड देन 1.5 मंथ या फिर 1 मंथ के लिए आपको दूसरा प्लास्टर बांधा जाएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में है जो केमिकल क्या यूज़ किया जाता है। ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ग्लूकेट या फिर DNA। तो POP में आपसे या तो एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसमें जो केमिकल यूज होता है वो क्या है, कैल्शियम सल्फेट। ला वेला इन डिफ्रेंस रिलेटेड टू, अभी ये क्वेश्चन रिसेंट में MP CHO में आया था, राजस्थान CHO नहीं, जो MP में व्यापम का स्टाफ है उसका पेपर हुआ था, उसमें भी आया था, CHO में भी आया था। ला वेला इन डिफ्रेंस रिलेटेड टू, ऑप्शन है पेन डिसऑर्डर, सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर, बॉडी डिस्फॉर्मिक डिसऑर्डर या फिर कन्वर्जन डिसऑर्डर। ला वेला इन डिफ्रेंस है किसमें देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है जो भी कन्वर्जन डिसऑर्डर होते हैं उनमें। ला बेला उदासीनता, इसका मतलब ये होता है कि कुछ भी चीज़ें आपको बात करने में, कन्वर्जन करने में, या फिर ऐसी प्रॉब्लम होगी जो आपकी मेडिकल रिलेट नहीं है, बट ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। तो स्पेशली हिस्ट्रिया जो कि कन्वर्जन डिसऑर्डर का एक एग्जाम्पल है, इसमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसीज एलिमिनेशन मीन्स, मतलब कि डिसीज उन्मूलन का मतलब क्या है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन है एरेडिकेशन ऑफ द वेक्टर, कंप्लीट टर्मिनेशन ऑफ इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म, प्रिवेंटिंग द ट्रांसमिशन टोटली ऑफ एनी डिसीज। तो डिसीज एलिमिनेशन का मतलब होता है डिसीज उन्मूलन या फिर बीमारी के उन्मूलन का मतलब क्या होगा, मतलब प्रिवेंटिंग द ट्रांसमिशन टोटली ऑफ एनी डिसीज, किसी डिसीज के ट्रांसमिट होने के फैलने को पूरे तरीके से रोकने को क्या कहा जाता है, एलिमिनेशन। एरेडिकेशन का मतलब होगा कि उस डिसीज को पूरे तरीके से क्या करना, बंद हो जाना या फिर बिल्कुल भी केस ना बचना।
बट एलिमिनेशन का मतलब होता है कि किसी भी डिसीज के प्रिवेंशन, ट्रांसमिट होने से रोकना, उसको प्रिवेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, अकॉर्डिंग टू WHO विच वन इज द बेस्ट क्राइटेरिया टू डायग्नोज ट्यूबरक्लोसिस। WHO के अनुसार तपेदिक और ट्यूबरक्लोसिस के निदान के लिए सबसे अच्छा मापदंड कौन सा है? किस टेस्ट से है जो किस कैटेगरी से आप ट्यूबरक्लोसिस को सही तरीके से, बेस्ट तरीके से डायग्नोज कर सकते हैं? ऑप्शन है स्पूटम पॉजिटिव, चेस्ट एक्सरे फाइलिंग, चेस्ट पेन या फिर कफ फ्रॉम लास्ट 3 वीक। अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो बेस्ट क्राइटेरिया है ट्यूबरक्लोसिस को डायग्नोज करने का होगा स्पूटम पॉजिटिव, क्योंकि स्पूटम में ही यदि स्पूटम पॉजिटिव आता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है, दैट मीन्स आपको ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन है। चेस्ट पेन अदर कारण दूसरे रीजन से भी हो सकता है, कफ भी आपको दूसरे प्रॉब्लम्स के कारण हो सकती है, बट स्पूटम पॉजिटिव है यदि स्पूटम पॉजिटिव कब माना जाए तो जब उसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, ये बेस्ट क्राइटेरिया माना जाएगा टीबी को डायग्नोज करने के लिए। ट्यूबरक्लोसिस का कॉजिटिव एजेंट क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया। इसके जो क्लासिक सिम्टम्स होते हैं वो भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कफ विथ ब्लड कंटेनिंग म्यूकस, फीवर, नाइट सेट, वेट लॉस। और इसको प्रिवेंट करने के लिए एट द बर्थ जो वैक्सीन दी जाती है क्या है? BCG, बैसिलाई कालमोटी यूरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच कंट्री रिसेंटली एलिमिनेटेड फ्रॉम मीजल्स एंड रूबेला बिफोर 2023 डेडलाइन। 2023 की समय सीमा से पहले हाल ही में मीजल्स और रूबेला से किस देश का सफाया हो गया? हिंदी में ही कहेंगे कि रूबेला और मीजल्स को 2023 के पहले ही किस देश ने एलिमिनेट कर दिया है? ऑप्शन है इंडिया, मालदीव, श्रीलंका, बोथ बी एंड सी। तो अभी रिसेंट में जो स्टडी की गई है उसमें मीजल्स और रूबेला को 2023 में पहले ही एलिमिनेट कर दिया है, बोथ बी एंड सी। एलिमिनेट कब माना जाता है? WHO तक कंसीडर करता है किसी भी डिसीज के एलिमिनेशन को जब वो डिसीज 3 साल से 1 भी केस में आया हो उस डिसीज का। रिसेंट में मालदीव और श्रीलंका से मीजल्स और रूबेला का क्या हो चुका है? एलिमिनेशन हो चुका है, बट इंडिया में अभी प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज प्रेग्नेंट लेडी डिलीवर्स द 1900 ग्राम ऑफ बेबी, अ बेबी इज कंसिडर्ड इन विच कैटेगरी। एक प्रेग्नेंट लेडी ने 1900 ग्राम के बेबी को डिलीवर किया है, 1900 ग्राम के बेबी को, 1.9 kg के बेबी को, तो इस बेबी को किस कैटेगरी में रखा जाएगा? ऑप्शन में है प्रीटर्म बेबी, लो बर्थ वेट बेबी, वेरी लो बर्थ वेट बेबी या फिर एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी। यदि किसी प्रेग्नेंट लेडी ने 1900 ग्राम के बेबी को डिलीवर किया है तो बेबी किस कैटेगरी में आएगा? ये बेबी आएगा लो बर्थ वेट बेबीज में। यहाँ पर देखिए कैटेगरी भी है, नॉर्मल बर्थ वेट बेबी होते हैं उनका वेट कितना होता है? 2.5 to 3 kg। नॉर्मल एट द बर्थ बेबी का वेट माना गया है इंडियन बेबी का कितना होता है? 2.5 kg से 3 kg, 3 kg तक। लो बर्थ वेट बेबीज होते हैं इनको किस कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है? जब बर्थ वेट 1500 से 2500 ग्राम हो, 1.5 to 2.5 kg। एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबीज जब बर्थ वेट कितना हो, 1000 ग्राम से भी कम, बिलो द 1000 ग्राम एट बर्थ। वेरी लो बर्थ वेट बेबीज कितने होते हैं? 1000 ग्राम से 1500 ग्राम तक क्या रहे उनका बर्थ वेट रहे। यहाँ पर क्वेश्चन में था कि 1900 ग्राम का बेबी डिलीवर हुआ है 1.9 केजी का, तो किस कैटेगरी में आएगा? लो बर्थ वेट बेबी में। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, में से कौन सा कथन है ये सही नहीं है? ऑप्शन है रूबेला इज नॉट अ बैक्टीरियल डिसीज, मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय एजेप्टी मॉस्किटो, टाइफाइड स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, फाइलेरिया इज अ पैरासाइटिक डिसीज। यहाँ पर कहा है कि कौन सा पॉइंट है जो सही नहीं है। तो रूबेला है जो वायरल है, मलेरिया क्या है? मलेरिया एनाफिलीज मॉस्किटो से होने वाली प्रॉब्लम है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो से। टाइफाइड है जो फूड और वाटर, कंटामिनेटेड फूड और वाटर के कारण होने वाली प्रॉब्लम है। फाइलेरिया क्या है? पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। तो यहाँ पर जो इसका सही पॉइंट नहीं होगा, इसलिए ही पूछा है, तो होगा मलेरिया ट्रांसमिटेड बाय एजिप्टियो
मॉस्किटो मलेरिया है जो एनाफिलीज मॉस्किटो से होगा, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो से। यहाँ पर इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट इज पैगेट्स डिसीज इज कैरेक्टराइज बाय। पैगेट्स डिसीज का यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है तो वो क्या है? ऑप्शन है हाइपो कैल्सेमिया, हाइपर कैलेमिया, हाइपर कैल्सेमिया या फिर डी पहला। पैगेट्स डिसीज है कहाँ पर होती है? ये एग्जाम में आती है तो यह जनरली बॉन्स को होने वाली प्रॉब्लम। यहाँ का जो इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर और सिम्टम है वो क्या है? वो है हाइपर कैल्सेमिया। पैगेट्स डिसीज और बॉन इज अ कॉमनली डिसऑर्डर विच में इफेक्ट बन और मेन बॉन। तो पैगेट डिसीज क्या है? बॉन्स में होने वाली डिसीज है, एक तरीके से एसिम्प्टोमेटिक रहती है, इसके कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। इसमें जो बोन है क्या होंगी, एक्सेसिव बोन में रीअब्जॉर्प्शन होगा कैल्शियम का, मतलब कि बोन्स में ज़्यादा कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा, इसके कारण बोन्स का फॉर्मेशन है वो भी इफेक्ट होगा। यहाँ पर आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि बोन्स को होने वाली प्रॉब्लम है और उसमें हाइपर कैल्शियमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी, और उसमें बोन्स में क्या होता है, कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा होने लगता है, जितना नॉर्मल रहता है उससे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोसीजर इज परफॉर्मिंग इन दिस पिक्चर। तो यहाँ पर इमेज दी हुई है, इसमें कौन सा प्रोसीजर है जो दिखाया जा रहा है? ऑप्शन है एमनियोसेंथेसिस, एनएसपी, डॉपलर स्कैनिंग या फिर एंटी स्कैनिंग। तो यहाँ पर जो प्रोसीजर शो हो रहा है इसमें क्या किया जा रहा है? एमनियोटिक फ्लूइड को विथड्रॉ किया जा रहा है। तो कौन सा प्रोसीजर है ये? एमनियोसेंथेसिस। नेक्स्ट इज द मदर्स प्लेसेंटा वेज 500 ग्राम, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच वुड बी द वेट ऑफ द फेटल न्यूबॉर्न। तो मदर में जो प्लेसेंटा है उसका वेट कितना है? 500 ग्राम है, और जो फुल टर्म बेबी है, फुल टर्म न्यूबॉर्न बेबी है, तो उसका वेट कितना होगा? ऑप्शन 2 kg, 3 kg, 4 kg या फिर 5 kg। तो 1/6 होता है जो प्लेसेंटा का वेट होता है, बेबी के वेट से 1/6 होता है। तो यहाँ पर 500 ग्राम का यदि प्लेसेंटा है तो बेबी का वेट कितना होगा? न्यूबॉर्न बेबी का, तो न्यूबॉर्न फुल टर्म न्यूबॉर्न का वेट होगा 3 kg। देखिए यहाँ पर अर्ली टर्म का मतलब है कि बेबी बॉर्न बिटवीन 37 वीक, 0 days एंड 30 वीक, मतलब कि 38वां वीक नहीं हो पाया है और क्या हो गया है, बॉर्न हो गया है। 37 वीक कम्प्लीट हो गए हैं, 38वां वीक स्टार्ट नहीं हो पाया है। और जो फुल टर्म बेबी होते हैं वो कब डिलीवर होते हैं? 39 वीक में, 40 वीक और 6 डेज, 0 डेज एंड 40 वीक, मतलब कि 6वें दिन में ही आपके 40 वीक नहीं हो पाए हैं, हो जाए। लेट टर्म का मतलब है कि बेबी बॉर्न विदिन 41 वीक, पोस्ट टर्म में है 42 वीक से ज़्यादा हो, जब जेस्टेशन पीरियड हो जाए तब बेबी डिलीवर हो, तो क्या कहलाते हैं? बेबी कहलाते हैं पोस्ट टर्म बेबी। नेक्स्ट इज डेफिशियंसी ऑफ दिस विटामिन कैन कॉज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। किस विटामिन की कमी के कारण मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन होगी? ऑप्शन में नियासिन, फॉलिक एसिड, विटामिन B6 या फिर विटामिन सी। तो जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन होती है, होती है फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी के कारण। यहाँ पर ऑप्शन में फॉलिक एसिड, विटामिन B12 होता था उसको मार्क कर सकते थे, बट यहाँ पर फॉलिक एसिड प्रेजेंट है तो आंसर होगा बी। मोस्ट कॉमन कॉज है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का, जिसको हम कोवाल्मिन, जो विटामिन B12 और कोवाल्मिन या फिर फॉलेट और विटामिन B9 की कमी के कारण होने वाली प्रॉब्लम है। तो यदि इनकेस आपको ऑप्शन में कोवाल्मिन और विटामिन B12 आता है तो आप उसको भी मार्क कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की कमी के कारण ही प्रॉब्लम होती है, कोवाल्मिन और फॉलेट या फिर विटामिन B12 और विटामिन B9। यहाँ पर आपको दोनों विटामिन याद रखने हैं, किसकी कमी के कारण कौन सी प्रॉब्लम होती है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द सिंबल शोन इन इमेज। तो यहाँ पर एक सिंबल दिख रहा है, किसका है? ऑप्शन में रेडिएशन हैजार्ड, साइटोटॉक्सिक वेस्ट, बायोहैजार्ड वेस्ट या फिर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो यहाँ पर ये जो सिंबल दिख रहा है किसका है? ये सिंबल है रेडिएशन हैजार्ड का, क्योंकि साइटोटॉक्सिक वेस्ट का जो सिंबल होता है उसमें 3 सर्कल टाइप से होते हैं, ब्लू या फिर ब्लैक कलर के। और जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसमें रिसाइकलेबल वेस्ट जैसा जो सिंबल है वो किस कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के रहेंगे। बट यहाँ पर जो सिंबल दिख रहा है किसका? रेडिएशन हैजार्ड का। नेक्स्ट इज द मेजोरिटी ऑफ द ब्लड इज सप्लाई टू द लार्ज इंटेस्टाइन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरीज। निम्नलिखित
धमनियों में से अधिकांश को बड़ी आंत में रक्त की आपूर्ति की जाती है। मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन को कौन सी आर्टरी है जो सबसे ज़्यादा ब्लड की सप्लाई करेगी? ऑप्शन है इंफीरियर मेसेंट्रिक, सीनियर ट्रंक, एंटीरियर मेसेंट्रिक या फिर सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। लार्ज इंटेस्टाइन में जो ब्लड की सप्लाई करता है, मेजोरिटी ऑफ ब्लड की सप्लाई कौन करता है? तो इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग कुकिंग। इनमें से कौन सा विटामिन है जो खाना पकाने के दौरान नष्ट हो जाता है? ऑप्शन है विटामिन के, सी, ई एंड डी। तो ऐसा विटामिन जो कुकिंग में डिस्ट्रॉय हो जाता है, कुकिंग करने से डिस्ट्रॉय होता है जनरली, तो वो कौन सा विटामिन? वो विटामिन सी। बाकी ये सभी विटामिन कौन से विटामिन है? फैट सॉल्युबल विटामिन। तो आपको दोनों कैटेगरी के विटामिन के नाम और उनकी होने वाली डेफिशिएंसी को याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में मोस्टली या तो उनका केमिकल नेम पूछा जाएगा, केमिकल नेम नहीं पूछा जाता है तो आपसे उनसे होने वाली डिसीज को पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट एल्कोहल विथड्रॉल सिम्टम। कौन सी मेडिसिन का यूज़ किया जाता है अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम को ट्रीट करने के लिए? यदि आप अल्कोहल ले रहे हैं, सडनली आपने स्टॉप कर दिया, तो आपको विड्रॉल सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो उन विड्रॉल सिम्टम को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाएगी? ऑप्शन है नैलॉक्सॉन, डाइसल्फ्राम, एसिटामिनोफेन या फिर क्लोरडाइजोप ऑक्साइड। तो विड्रॉल सिम्टम है यदि अल्कोहल के, तो उनको ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाएगी वो क्या होगी? क्लोरडाइजोप ऑक्साइड। डाइसल्फ्राम है क्या डिफरेंट एजेंट है जो अल्कोहलिज्म को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, बट जो बेंजोडाइजपाम कैटेगरी की क्लोरडाइजोप ऑक्साइड मेडिसिन है विड्रॉल सिम्टम को ट्रीट करने में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। आयरन के अवशोषण के लिए निम्नलिखित में से किस विटामिन की आवश्यकता होगी? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन बी। यहाँ पर जब आयरन एब्जॉर्प्शन की बात की जा रही है, तो आपको ये भी याद रखना है कि आयरन का मोस्टली एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम पार्ट है वहाँ पर होता है। आपको एग्जाम में भी पूछ सकते हैं कि आयरन का मोस्टली एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, तो होता है ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट ड्यूडेनम वहाँ पर। और आयरन एब्जॉर्प्शन में किस विटामिन की जरूरत पड़ती है? तो वो है विटामिन सी। नेक्स्ट इज द बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा इज। यहाँ पर कौन सा बैक्टीरिया जीवाणुरोधी एंजाइम लार में मौजूद है? बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम। सभी एंजाइम लार में प्रेजेंट रहेंगे, सलाइवा में प्रेजेंट रहेंगे, बट बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम कौन सा? ऑप्शन में पैटेलिन, पैक्सिन, लाइसोजाइम या फिर ट्रिप्सिन। तो जो एंजाइम प्रेजेंट होता है बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम लार में, वो कौन सा है? वो लाइसोजाइम एंजाइम। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज रिस्ट्रिक्टेड इन पेशेंट विद रीनल फेलियर। किडनी फेलियर के मरीज में कौन सा खाना है रिस्ट्रिक्टेड रहता है, प्रतिबंधित रहेगा? ऑप्शन है फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर विटामिन। जो फूड रिस्ट्रिक्टेड रहेगा किडनी फेलियर के मरीज में, वो कौन सा फूड है? वो प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन यूरिया की कंडीशन होगी, हाइपर प्रोटीन यूरिया होगा, स्वेलिंग भी रहेगी, तो इस कारण से क्या रहेगा? प्रोटीन फूड है, जिसकी फूड है प्रोटीन, उसको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाएगा या फिर कम दिया जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट ब्लड टेस्ट इज यूज्ड टू पेशेंट हु इज रिसीविंग ओरल एंटीकोगुलेंट। यदि कोई मरीज ओरल एंटीकोगुलेंट ले रहा है, वार्फरिन ले रहा है, तो उसको कौन सा टेस्ट है जो यूज़ किया जाएगा, ब्लड टेस्ट कौन सा ब्लड टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा? ऑप्शन है ब्लीडिंग टाइम, INR, प्लेटलेट्स या फिर नन ऑफ द अबव। जो पेशेंट ओरल एंटीकोगुलेंट्स रिसीव कर रहा है, ले रहा है, तो उसमें टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा वो क्या होगा? परफॉर्मेंस टाइम चेक किया जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या है? INR टेस्ट है जो यूज़ किया जाएगा। INR का मतलब है इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो है, जो एक्सेसिव क्लॉटिंग या फिर ब्लीडिंग डिसऑर्डर को डायग्नोज करने के लिए किया जाता है। तो प्रोथॉर्मिन टाइम है जो टेस्ट किया जाएगा, जो भी पेशेंट क्या ले रहा हो, वार्फरिन ले रहा हो या फिर एंटीकोगुलेंट मेडिकेशन ले रहा हो। नेक्स्ट इज एंटीडोट ऑफ पैरासिटामॉल। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। तो पैरासिटामॉल है जो इसका यदि ओवरडोज हो जाता है हमारी बॉडी में, तो कौन सा एंटीडॉट है जो यूज़ किया जाएगा? ऑप्शन है साइक्लोस्पोरिन, एनएसीटाइलसिस्टिन, डाइक्लोफेनिक या फिर ओलाप्टी एवन। पैरासिटामॉल की ओवरडोज या फिर पैरासिटामॉल पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए जो एंटीडॉट के तौर पर यूज़ किया जाएगा वो क्या होगा? एनएसीटाइलसिस्टिन।
नेक्स्ट है इन्फ्लामेशन ऑफ गम्स इज कॉल्ड, तो गम्स के इन्फ्लामेशन को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन है जिंजिवाइटिस, स्टोमेटाइटिस, ग्लोसाइटिस या फिर डी, नन ऑफ दी अबव। गम्स इन्फ्लामेशन को क्या कहा जाएगा? जिंजिवाइटिस। गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।